नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ताजा मामला राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर चार आरोपियों ने एक युवक को बंदी बनाकर पहले तो बुरी तरह मारा, उसका बकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी उसे पोस्ट किया। जब प्रार्थी अधमरा हो गया तब उसे छोड़कर चारों रफू चक्कर हो गए, ये सोचकर कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अधमरे प्रार्थी शंकर सिंह ठाकुर ने थाना पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। गुड़ियारी थाना प्रभारी के कुशवाहा ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया और चारों आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि पुलिस को बेहद मशक्कत करनी पड़ी आरोपियों तक पहुंचने में, मगर पुलिस ने यही दिखा दिया कि अपराधी के शैतानी दिमाग को भी पुलिस बेहद आसानी से हरा सकती है। अपराधियों का कहना था कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन रायपुर पुलिस ने दिखा दिया कि पुलिस सिर्फ फिल्मों में नहीं असलियत में भी काम करती है। गिरफ्तारी हुई है, मारपीट करके सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, किस तरह का ये मामला था, क्या विवाद? दिनांक 15 तारीख की घटना है। रात्रि में प्रार्थी शंकर सिंह ठाकुर को इन लोगों ने अपने पास अपने जो किराए के मकान में रहते थे वहाँ पर बुला के इसके साथ बेसबॉल एवं अन्य चीज़ों से मारपीट किया गया था। मारपीट करने के बाद अपने गाड़ी में बैठा कर मंदिर हसोद एरिया में ले आके वहाँ पर भी उसे मारपीट किया गया और जब अधमरा हो गया था उसको छोड़ के फिर उनको भाग गए थे। तो लगातार प्रार्थी की सूचना पर FIR दर्ज कर लगातार विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था। जरिए कुछ माध्यमों से पता चला कि आरोपी जो है उज्जैन, फिर दिल्ली, फिर कन्नौज, आपस में अपना लोकेशन बार बार बदल रहे थे। तो क्राइम और थाने की टीम दोनों मिलकर जो है आरोपियों की पीछा कर रही थी और जब पता चला कि ये कहीं किसी घर में रुके हुए हैं तो तत्काल जो है घेराबंदी कर उक्त चार आरोपी प्रिंस बागड़े, अंकुश राहन डाले, अनिल सिन्हा और ललित गोरे चारों को पकड़ कर अभिरक्षा में लिया गया है और घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी गाड़ी को भी जब्ती बना लिया गया है एवं घटना में जो उक्ते द्वारा जो मोबाइल से जो वीडियो बनाया गया था उस मोबाइल को भी जब्त किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी